गल सब तो पहला आपां अज आस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा दी करन जा रहे हैं। सवाल उन्हां स्टूडेंट्स दा बहुत ज़्यादा बनया होया है जिन्हां ने अपनी फाइल तां लगाई हुई है पर हले तक कोई रिजल्ट नहीं आया, वेट कर रहे ने। सो वो की करन क्योंकि नवंबर विच ही स्टूडेंट्स दा कहना है कि उन्हां दी क्लासेस भी शुरू होनियां ने, किन्ना टाइम वेट करन, उस तो बाद उन्हां नूं की करना चाहिए। सो इसे दे लई अज तुहानूं राइट गाइडेंस मिलन वाली है इस वीडियो दे जरिए। स्वागत है जी सारिआं दा, मैं हाँ हरजोत कौर और कई खास गल्लां आस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा नूं लैके तुहाडे नाल सांझियां करन जा रहे ने नेविगेटर्स ओवरसीज तो वीजा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार सारिआं नूं। सो मैम दा तकरीबन 26-27 सालां दा एक्सपीरियंस है और मैम अगर मैं गल करां जिस तरह दी स्टूडेंट्स दे हुण सवाल आए हुए ने तुहाडे कोल, तां अक्सर हर इनटेक नाल जुड़े इस तरह दे कई सवाल आंदे होणे। सो इस टाइम तुसीं स्टूडेंट्स नूं, उहनां स्टूडेंट्स नूं खास तौर ते की सुजैस्ट करना चाहोगे जिन्हां ने नवंबर इनटेक लई फाइल लगाई हुई है, रिजल्ट हले कोई नहीं आया है, टाइम भी काफ़ी पै चुके है, उहनां नूं हुण इस टाइम ते की डिसीजन लैणा चाहीदा? देखो जिन्हां दी फाइलां लग गई हैं वो कोई डिसीजन नहीं ला सकते, एम्बेसी में जी या तो विदड्रॉ कर सकते हैं। विदड्रॉ करन दे बाद प्रॉब्लम की होंगी है, यूनिवर्सिटी फीस नहीं वापस देगी अंटिल आर अनलैस कोई इदा का मजबूरी होए, कोई जेन्यून रीज़न यूनिवर्सिटी नू नज़र आए, दे विल नॉट रिफंड योर फी। तो यू हैव टू वेट, तुसी वेट ही करनी है, हैव पेशेंस, पेशेंस रखो एंड ऑल द बेस्ट। बट ये मेरे तो तुसी लिखवा के लै लो, जिहड़े बच्चे फाइलां हुण ला रहे जनवरी दे रिजल्ट बहुत अच्छे आणगे। ठीक है, बिल्कुल मैम। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स से जिन्हां दा कहना सी कि असी तकरीबन 45 दिन हो चुके वेट कर रहे हैं, उन्हां दा कहना है कि असी डेफर करवा लीए अपना केस अगले इनटेक लई करवा लीए। नहीं है हरजोत, मैं तुहाडे क्वेश्चन कंप्लीट करन तो पहले ही गल कर रही हाँ कि जब अंबैसी ने वीज़ा देना हुंदा अप्रूवल वो अगे पिछे कर देंदे आ, डजंट मैटर, यूनिवर्सिटी फिर आप डेफर कर देंदी है। तुसी कराना है पहले करा सकते हो, जे रिजल्ट मान लो तुहाडा वीज़ा इनटेक शुरू होंदे 2 दिन पहला भी आया तो यू कैन फ्लाई राइट। इनटेक निकल गया फिर भी जिहड़ा यूनिवर्सिटियां 5-7-10 दिन की एक्सटेंशन दे दिंदियां तो हजे तो वह सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। तुसी जिहड़ा ध्यान दो कि तुहाडा जो प्रोफाइल ठीक है वीज़ा आएगा, और नहीं ही आया दैन वी आर हेयर, वी विल हैल्प यू। ठीक है, लेकिन जैन दा जिहड़े बच्चों ने नहीं अप्लाई किया, अप्लाई करना चाहते, प्रोफाइल अच्छा है, 23 पास आउट है, वो कोई भी बच्चा साढ़े नाल कॉन्टैक्ट करे, वीज़ा उन्हों का असी लिया के देवे और वह भी 0% लॉस से, कोई लॉस नहीं हो देवे किसी भी किस्म का। जी 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 बिल्कुल। सो मैं पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स का जो एक डाउट से जिन्होंने फाइल लगाई है उन्होंने क्लैरिटी जरूर मिल चुकी है। सो चलो मैम अगों आप उन्होंने बच्चों की गल कर ली, उन्होंने स्टूडेंट्स की गल करिए जिन्होंने हूँ अगों फैब इनटेक लिए अपलाई करना है हले। सो उन्होंने पहला भी आप कई लगातार वीडियोस इसे लिए बना रहे हैं ताकि स्टूडेंट टोटली अवेयर हो सकन और कितने भी कोई गलती ना करन अपने प्रोसैस के। सो इतने स्टूडेंट्स लिए समझ वाली सब तो वही गल की मनीए जो आप गल आस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की करते हैं तो नाल दी नाल फैब इनटेक पर फोकस करते हुए तुसी मैम स्टूडेंट्स नूं की गाइड करना चाहोगे? थे हरजोत गाइडेंस बच्चे नूं, अजकल बच्चा जिहड़ा बहुत जिन्हों कहिंदे आ मिसगाइडेड है जी, सोशल मीडिया का इनफ्लुएंस इन्ना ज़्यादा, जिहड़े गलत बोल रहे हैं उन्हां दा भी इनफ्लुएंस है राइट। जिहड़े सही बोल रहे हैं ठीक है, अज मेरा 25 साल तो उपर का एक्सपीरियंस है, दो ताके मैं इन्हां दे नाल बच्चियां नाल कढ़े आ एंड आई यूज टू इंजॉय विद द स्टूडेंट्स राइट। इन्हां ने जिहड़ा है इन्हों का प्रोफाइल की है, अज मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देनी हाँ, एक बच्चे ने एनरोल किया साढ़े नाल, जब उन्हें शो देखा उसके बाद आया यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया का करना है राइट, मेरी किसी एजेंसी को फाइल चल रही रिजल्ट नहीं आ रहा, असं क्या वो कोई गल नहीं असं करा देंगे, जब फाइल आ गई तो कहते रिजेक्शन हुई हुई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया ही जाना है। मैं क्या तुम्हें असी उस तो भी वधिया ऑप्शन दे देंगे, बट जी यूनिवर्सिटी रिजेक्शन कर देती है चांसिस बहुत घट होंगे है, तो पिछे ना पो अज के दिन के आस्ट्रेलिया दे विच जी यूनिवर्सिटी तुम्हें लै रही है अद्धे तो ज़्यादा यूनिवर्सिटियां पंजाब हरियाणा गुजरात नू नहीं लै रहे, कुछ यूनिवर्सिटियां अपने को बची है जी स्टेट बोर्ड लै रही है ना। तुम ये देखो डीके यूनिवर्सिटी ने चंगे चंगे प्रोफाइल इंजीनियर्स के प्रोफाइल सब बैंड वाले दे प्रोफाइल उड़ाते, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिता सी लास्ट ईयर की बच्चे की इनकम ITR 2.5 लगती सी अर की 5 लाख तो उपर सी पेरेंट्स की मतलब एक फादर की ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट, और 2.5 लाख की जी लास्ट ईयर की ITR देख के पहले ऑफर लैटर इशू करता, वो बाद उन्होंने रिजेक्शन करती।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਓਨਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਡੋਂਟ ਬੀ ਚੂਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਇੰਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ 40 hours fortnightly ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ ਬ੍ਰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਸਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਬਰੋਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਏਰੀਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਡੋਂਟ ਬੀ ਚੂਜ਼ੀ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਓ ਜੈਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੈਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ जी ठीक है मैनू उम्मीद है स्टूडेंट्स नू पूरा सही प्रोसेस जो है बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं जिन्होंने फाइल लगाई हुई है उन्हां लई सही डिसीजन की होना चाहिए है वो भी आज दी वीडियो के जरिए मैम दी गाइडेंस दे नाल तुहानू मिल चुके है सो उम्मीद करदे आं कि जिन्ने भी स्टूडेंट्स जिस उम्मीद नाल साडी वीडियोज़ दे नाल जुड़दे ने ते असीं भी उन्हां दी उम्मीद ते खरे उतरदे होए उन्हां तक सही राह जरूर दिखा पाने आ सो कोई भी सवाल तुहाडा होर होवे डाउट है तुहाडा तां जरूर तुसीं नैविगेटर्स ओवरसीज़ दा जिहड़ा नंबर डिस्प्ले है स्क्रीन ते इस उपर कॉल करके भी होर जानकारी जरूर ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਮੈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ